वेलकम टू स्टडी आई क्यू आज से 18 साल पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक जर्नलिस्ट डेनियल पर्ल को कराची में किडनैप कर लिया गया और एक महीने बाद उसके मर्डर का वीडियो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्सुलेट में भेज दिया गया इसके लिए उमर शेख नाम के एक आतंकवादी को पकड़ा गया और उसे मृत्यु की सजा सुनाई गई आज जानते हैं कि डैनियल पर्ल कौन है और कौन था और उमर शेख जो ये आतंकवादी है इसका भारत से कनेक्शन क्या है आज जवाब देने से पहले मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं क्या आप पहचानते हैं कि डेनियल पल कौन था ये डैनियल पल सर डेनियल पल का तो नहीं पता परंतु इसे जरूर पहचानते हैं जॉली नो डाउट्स अबाउट इट एंजेलिना जॉली ने डेनियल पर्ल के एबडक्शन और किडनैपिंग और मर्डर पर एक मूवी की थी जिसका नाम है हार्ट ये देखिए इसमें ये जो फोटो है ये डैनियल पर्ल की है वो इसमें इनकी वाइफ प्ले की थी दिस मूवी इज अबाउट द अबडक्शन एंड द किडनैपिंग ऑफ द डैनियल पर्ल यहां पर देखिए आपको यहां से पहचान में आएगा ये डैनियल पर्ल थे ये इनके अबडक्शन का वीडियो था जो कि बाद में भेजा गया था कि इनको किडनैप कर लिया गया है दो हजार दो में इन्हें किडनैप किया गया था और किडनैपिंग के एक महीने के बाद इनके मर्डर का वीडियो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कराची कॉन्सुलेट में भेज दिया गया था अब बात करते हैं कि आप उमार शेख को पहचानते हैं यह उमार शेख नहीं है यह है राजकुमार राव इन्होंने एक मूवी की थी जिनका नाम है उमेरटा जो कि ओमार शेख जिसमें ये बेसिकली खुद उमार शेख का रोल प्ले करते हैं इस समय इनका जो मेकअप है वो उमार शेख जैसा है शायद आप यहां से देख के पहचानेंगे दिस पर्सन इज द शेख जिन्होंने जो कि रिस्पॉन्सिबल ठहराए गए थे ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ द मर्डर ऑफ द डैनियल पर्ल एक बार देखते हैं कि पूरा का पूरा मुद्दा क्या था पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ब्रिटिश बॉर्न मिलिटेंट अहमद उमार सैयद शेख वॉज कन्विक्टेड फॉर दशन मर्डर ऑफ यूएस जर्नलिस्ट डेनियल पर्ल इन 2002 को ऑर्डर दिया है कि अब उसे छोड़ दिया जाए उनके सारे के सारे जो भी मर्डर के चार्जेस कर दिए गए हैं और उनके ऊपर जो फाइनल जो हुई उनको कन्विक्शन की गई है किडनेपिंग की अब किडनेपिंग की सजा होती है 7 साल पिछले वो 18 साल से वैसे ही वो डेथ रो पर है ओमार शेख तो कोर्ट ने कहा कि जब उसकी पूरी की पूरी सजा पूरी हो चुकी है तो उसे जेल में क्यों रखा जाए तो इसीलिए उन्होंने ऑर्डर दिए कि अगर ओमार शेख के ऊपर कोई और केस नहीं है तो इमीडिएटली उनको रिलीज कर दिया जाए प्रिजन से ठीक है डैनियल पर्ल के बारे में एक बार जान लेते हैं द वॉल स्ट्रीट जनरल नाम का जो अखबार है डैनियल पर्ल उनके साउथ एशिया ब्यूरो के चीफ थे और वो भारत में मुंबई में रहा करते थे यानी कि डैनियल पर्ल और उमर शेख दोनों का भारत से कनेक्शन है डैनियल पर्ल तो खुद मुंबई में रहा करते थे ईयर 2002 में ये कराची गए एक लश्कर ताइबा के ऊपर एक स्टोरी करने के लिए वहीं कराची में इनका अबडक्शन कर लिया गया ओमार शेख के द्वारा पाकिस्तान के कराची में जनवरी 2002 में लेटर ऑन इनका एक ग्राफिक वीडियो बीहेडिंग का एक ग्राफिक वीडियो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्सुलेट में भेज दिया गया अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेशर पर और काफी क्योंकि वो एक शांतिप्रिय जर्नलिस्ट थे इसके बेसिस पर जो ग्लोबल आउटक्राई हुआ उस समय जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ उनको स्टेप्स लेने पड़े और उन्होंने ओमार शेख के साथ तीन मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया और उनके ऊपर केस चलाया उस केस में वो चारों के चारों कन्विक्ट हुए और उनको मृत्यु सजा सुनाई दी गई और तब से लेके अब तक ओमार शेख बेसिकली अप्रैल 2020 तक बेसिकली इन पूरे के पूरे 18 सालों में वो मृत्यु दंड की डेथ रो पर थे लेकिन बीच में कहीं माना जाता है कुछ स्टोरीज के अकॉर्डिंग कि जो डेनियल पर्ल थी उनको डायरेक्ट मर्डर जो उस वीडियो में जो मर्डर करता है जो बिहेड करता है उसका चेहरा नहीं दिख रहा था वो बेसिकली किया गया है खालिद शेख मोहम्मद के द्वारा खालिद शेख मोहम्मद वो मिलिटेंट है जिसे माना जाता है कि जो कि मास्टर माइंड था बियॉन्ड ओसामा बिन लादेन ही वॉज दी मास्टर माइंड बिहाइंड सेवन अटैक्स ऑन दुनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस समय खालिद शेख मोहम्मद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ग्वान्टमो बे नाम की जो प्रिजन है वहां पर कह दिया है दिस पर्सन ये दोनों की दोनों सेम फोटो है खालिद शेख मोहम्मद की ये बाई इलेवन जो अटैक्स थे उनका मास्टर माना जाता है और इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ग्वान्टो बे में कैद है एक बार यह देख लेते हैं कि बेसिकली ओमार शेख कौन है और इसका इंडिया से कनेक्शन क्या है ओमार शेख वो वन ऑफ द थ्री टेररिस्ट है जो कि इंडियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट हाईजैक करके कंधार लेके गई ले जाई गई थी उसमें होस्टेजेस के एक्सचेंज में पाकिस्तान को दे दिया गया था आप जानते होंगे इंटरनल सिक्योरिटी के लेक्चर जिन्होंने देखे हैं कि ईयर 1999 में बिल्कुल दिसंबर में काठमांडू से जाने वाली एक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट जो कि दिल्ली जा रही थी बीच में ही हाईजैक करके इसे अफगानिस्तान में कंधार में ले जाया गया धार में ले जाने के बाद उसमें डेढ़ सौ से भी ज्यादा पैसेंजर्स थे एक्सचेंज में इंडिया से तीन टेररिस्ट की मांग की गई तीन आतंकवादियों की जिसमें से एक नंबर वन पे मसूद अजहर के बारे में आपने नाम सुना ही होगा जो कि 26 सिक्स बाई यानी 26 नवंबर के जो मुंबई पर अटैक थे उनके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है उसमें एक ओमार शेख था जो कि डैनियल पर्ल के मर्डर का कन्विक्ट है। तीसरा

जो उमर शेख है उसको गिल्टी पाया सिर्फ किडनैपिंग के लिए अब किडनैपिंग के लिए सिर्फ सात साल की सजा होती है अठारह साल से वो डेथ रो में जेल में था ही तो सिंध हाई कोर्ट का कहना है कि बेसिकली आ, उसकी पूरी की पूरी सजा पूरी हो चुकी है अगर उसके ऊपर कोई और केस नहीं है तो बेसिकली उसको छोड़ देना चाहिए अब डैनियल पर्ल की जो फैमिली हैज रिस्पॉन्डेड दैट इट इज अ ट्रवैसिटी ऑफ जस्टिस बेसिकली ये अन्याय है टेररिस्ट विक्टिम जो होते हैं टेरर विक्टिम्स जो है उनके अगेंस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी कहा है कि हम बैक चैनल से और हम अपने लीगल ऑप्शन देखेंगे इस जो ये जजमेंट आई है इसके तहत फॉलोअप करते रहिएगा इसे एंड केस अगर आप जानना चाहें उमार शेख की कहानी के बारे में तो उमेरटा जरूर देखिएगा इट इज़ अ वेरी ब्रिलियंट मूवी काफी अवार्डेड भी है उससे आपको पूरा आइडिया भी मिलेगा कि किस प्रकार से एक ब्रिटिश बॉर्न एक लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ कोई नागरिक क्यों इतना रेडिकलाइज हो जाता है और क्यों इस प्रकार से लोगों को मर्डर अबडक्शन टेररिस्ट आतंकवादी हमले करना शुरू कर देता है बिसाइड्स अगर आपको कोई डाउट्स हो कोई करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर लिख के पूछिएगा आई विल बी एबल टू पर्सनली रीड देम एंड आंसर देम अगर आपके पास कोई भी डाउट आता है तो हैव ए नाइस डे